और एक बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां किरण कुमार पासी बनाई गई उत्पाद आयुक्त, लेकिन किरण कुमार पासी को नहीं दिया गया है जेएसबीसीएल एमडी का प्रभार। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने उठाया सवाल, डेढ़ साल में 6 कमिश्नर बदले जाने पर भी सवाल उठाया, विभाग को प्रयोगशाला बनाए जाने का आरोप लगाया है। TV45 ने कल ही दिखाई थी खबर, बता दें आपको कि 6 दिन से ऑफिस नहीं गए थे पुराने उत्पाद आयुक्त। खबर में आपको बता रहे हैं किरण कुमार पासी बनाई गई है उत्पाद आयुक्त, लेकिन किरण को नहीं दिया गया है जेएसबीसीएल एमडी का प्रभार। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने उठाया सवाल, डेढ़ साल में 6 कमिश्नर बदले जाने पर भी सवाल उठाया गया है सवाल, वहीं विभाग को प्रयोगशाला बनाए जाने का भी आरोप लगाया। TV45 ने कल ही खबर दिखाई थी, 6 दिन से ऑफिस नहीं आए थे पुराने उत्पाद आयुक्त, कार्यालय में पेंडिंग फाइलों की लगी थी लाइन, अब जब नई उत्पाद आयुक्त कार्य संभालेंगी तो कैसे निपटेगी फाइल, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है। नई उत्पाद आयुक्त को तो जेएसबीसीएल एमडी का जिम्मा ही नहीं है, तो ऐसे में लटकी रहेगी तमाम फाइल, ये तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। किरण कुमार पासी बनाई गई है उत्पाद आयुक्त, लेकिन इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल किरण कुमार पासी को नहीं दिया गया है जेएसबीसीएल एमडी का प्रभार, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो पेंडिंग फाइलें थी वो कहीं ना कहीं लटकी रहेगी, और ये भी उठ रहा है सवाल कि नई जो उत्पाद आयुक्त बनी है वो अब कैसे निपटाएंगी फाइल, क्योंकि उन्हें तो जेएसबीसीएल एमडी का जिम्मा ही नहीं दिया गया है। और TV45 ने कल ही एक खबर दिखाई थी, और ऐसे में किरण कुमार पासी उत्पाद आयुक्त बनाई गई है, ये खबर हमने आपको कल ही दिखाया था। और इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद जायसवाल, जो कि महासचिव हैं शराब व्यापारी संघ के। तो विनोद जी, जिस तरीके से ये खबर निकल कर सामने आई है कि किरण कुमार पासी को उत्पाद आयुक्त तो बना दिया गया, लेकिन इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें तो जेएसबीसीएल एमडी का जिम्मा ही नहीं दिया गया, तो आखिर फाइल कैसे निपटेगी, क्या कहेंगे इस पे? सॉरी, विनोद कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल मैं बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा सुबोध जी। हाँ, पहले तो मैं स्वागत करता हूँ कि ठीक है अधिकारी है आए उनको संघ में स्वागत किया, लेकिन बहुत बड़ा पेच है जिसमें एमडी का प्रभार नहीं दिया गया, तो अभी होली के टाइम में, मार्च महीने के टाइम में सभी का पेमेंट रुक जाएगा, सभी कंपनियों का, विभाग के अधिकारियों का, तो ये साइन कैसे होगा? तो ये तो अभी तक ये पता नहीं लगता है मुझे, साजिश के तहत धड़फड़ी में ऐसा किया गया या क्यों किया गया, ये दुर्भाग्य उत्पाद विभाग के लिए हमेशा प्रयोगी होता। सुबोध जी, आखिर आपके हिसाब से इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि आप एक शराब व्यवसायी संघ के महासचिव भी हैं, तो आपके हिसाब से इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, समाधान देखिए, एक गलती को छिपाने के लिए 100 गलतियां की जाती है विभाग के द्वारा। आज तक कितना बढ़िया स्मूथली, पहले भी कोविड के टाइम में चल चुका था ये शराब का नीति, राजस्व मिला था बढ़िया से। सरकार का काम नहीं है शराब बेचना, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, राज्य के विकास को देखना, ग्राम के विकास को देखना। यहाँ के कई हमारे आदिवासी भाई भी रोजगार चली गई, और भी जनरल मूलवासी को रोजगार चली गई, लेकिन आज शराब में लूट हो रही है, तो ये सरकार को अब छोड़ देना चाहिए, वित्तीय वर्ष की तैयारी करना चाहिए ताकि मई से जून से लागू हो सके नई नीति। शराब का जो 3500 करोड़ राजस्व आ सकता है, तो क्यों ये 2000 करोड़ में पड़े हैं विभाग? अभी तक कंपनी का 1000 करोड़ पेमेंट बाकी है जी। अभी अगर स्टॉक की जानकारी ली जाए, अगर जांच की जाए स्वतंत्र एजेंसी से कि पूरे शराब का अगर गोदाम की जांच हो, दुकान की जांच हो, तो 1000 करोड़ रुपए की गड़बड़ियां निकलेगी। और इसी के डर से माननीय अभी मंत्री अभी तो ज्वाइन किए हैं, प्रभार लिए हैं अभी माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, इनके पास भी मैंने ज्ञापन दिया, लेकिन नीति बदलने के पक्ष में नहीं है। कारण क्या, नीति बदलेंगे इनको डर है, पता नहीं कि ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, तो क्यों डर रहे हैं भाई? जब किसी तरह की गड़बड़ियां नहीं है तो डरना नहीं चाहिए। तो सुबोध जी, आपका एकदम सीधे तौर पे कहना है कि ये जो सारी जो प्रक्रिया हुई है वे साजिश के तहत हो रही है, राइट? बिल्कुल, धरपन भी बिल्कुल हो रही है, साजिश के तहत में आनंद फानंद कर दिया गया, तो एमडी का प्रभार क्यों नहीं दिया गया भाई?
एमडी के परिवार देते, आज फाइल उनके टेबल पर पड़ी हुई है पहले से बहुत सारा जी। तो फिर इसके लिए अब रुकेगा, फिर होली की छुट्टी आ जाएगी। जी सुबोध जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शराब व्यवसायी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल जी, जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर ही आरोप लगाया है। कहा है उन्होंने कि साजिश के तहत ये किया गया है, और सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए, समझने वाली ये बात है कि किरण कुमार पासी को तो उत्पाद आयुक्त बना दिया गया, लेकिन किरण कुमार पासी को JSPCL का MD का प्रभार नहीं दिया गया है। और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जो पेंडिंग फाइल्स थे उसे आखिर कैसे निपटाएंगी किरण कुमार पासी, क्योंकि अगर उन्हें JSPCL MD का जिम्मा ही नहीं दिया गया है तो आखिर फाइल जो पेंडिंग पड़ी हुई फाइल कैसे निपटेगी। ये सवाल हम भी उठा रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो सुबोध जायसवाल थे शराब व्यवसायी संघ के महासचिव, उन्होंने भी यह सवाल उठाया है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।